Students, today we will continue with parallel vanishing. I have already discussed about this. What's parallel vanishing? Parallel vanishing means when the van is run in the opposite direction, or when they are parallel to each other like this. So if we further, this has been divided into two types. One is called as unicostate and multicostate. As already we have discussed about these two in reticular type of vanishing. So unicostate and multicostate. What is unicostate? Unicostate means unicostate parallel vanishing, means when there is only one midrib or only one man, and like this, there is only one man, and the other vans arise from this man, but they run in opposite direction. That means they do not meet anywhere, but they are parallel to each other. That is why these are called as unicostate parallel vanishing. See, here is one main vein. Yeah, see, one main vein nikalti hai, jisse branches nikalti hai, but they run in opposite direction. They are, yeah, matlab ek dusre ke opposite run kar rahe hain. To isko hum bolte hain unicostate parallel vanishing. Iski example hai banana. बनाना इसकी एग्जांपल है मल्टीकोस्टेट. तो मल्टीकोस्टेट में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी वेन्स निकलती हैं लाइक दिस. एक, दो, तीन. तो इसी तरह यहाँ पे जो वेन्स हैं, ब्रांचिंग होती है यहाँ पे, दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस. तो लेकिन देर आर मैनी मैन वेन, यहाँ से ब्रांचेस अराइज होते हैं, तो दे आर रन इन अपोजिट डायरेक्शन. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन. इसकी एग्जांपल हमें ग्रासेस आते हैं, जैसे हैं वीट, मेज एक्स्ट्रा. तो जो भी ग्रासेस हैं वो इसमें आते हैं मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन में. तो उसके बाद हमें आता है फर्दर पैरेलल वेनेशन, तो हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमें फर्केट वेनेशन में लाइक दिस. इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्नस. ये फर्नस में पाया जाता है. यहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, लेकिन फर्नस का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है. यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हमें दो तीन मेन वेन्स निकलती हैं. तो ये दो तीन मेन वेन्स निकलती हैं, तो इससे हमें फर्दर देयर इज, इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस. एवरी मेन वेन इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस लाइक दिस. ओनली देयर आर ओनली थ्री मेन वेन्स और फोर मेन वेन्स, बट दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस लाइक दिस. एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस. Then there is extensive branching, but this is bifurcate. It's called as bifurcate because यहाँ पे हमें दो दो branches निकलती है, लेकिन main vanes only two, three or four होती हैं. वहाँ से हमें फिर दो दो branches निकलते हैं. इसको हम बोलते हैं furcate type of reticulation. ये जो पाई जाती हैं, ये it is the characteristic of fernus. तो pteridophytes की ये और फर्नस की ये एग्जाम्पल है, जहाँ पे ये फर्केट टाइप ऑफ वेनेशन पाई जाती है. तो ये हमें वेनेशन आज कंप्लीट हुआ. तो यहाँ पे हमने तीन वेनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया. एक तो है रेटिकुलेट, दूसरा है पैरेलल, एंड थर्ड वन इज फर्केट टाइप. तो इसकी हमने एग्जांपल्स भी दी. इसके बाद इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ लीव्स, दैट इज सिंपल लीफ एंड कंपाउंड.